नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे एक स्टूडियो अपार्टमेंट की वीडियो जो कि प्रोजेक्ट होगा वैगमान्स बिजनेस पार्क। तो अभी हम लोग इसी प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी। तो बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में, जो कि नियर टू होता है LG चौक। अगर मैं LG चौक से डिस्टेंस की बात करूँ तो हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस पर होता है। और जो सामने आप ये पार्ट देखते हैं, ये हो जाता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट साथ में है। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट की रीसेल वैल्यू या इस प्रोजेक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसके साथ में आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाता है और ये हो जाती है मेन रोड, जिसमें आपको ट्रैफिक मूव होता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर हम लोग राइट जाते करीब हार्डली 500 मीटर चलते हैं तो LG चौक आ जाता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में। तो टोटल ये 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 3 ब्लॉक्स रेडी टू मूव इन है। और अगर मैं बात करूँ फ्यूचर एक्सपेंशन की, तो यहाँ पर 3 ब्लॉक्स और बनेंगे। तो सबसे पहला ब्लॉक हो जाता है ये, जिसके अंदर LG का रिसर्च सेंटर ऑपरेशनल है, उसके अलावा GST कमिश्नरेट ऑपरेशनल है, इसके अलावा और भी काफ़ी मल्टीपल कंपनीज हैं जो कि ऑपरेशनल है। बात करें सेकेंड ब्लॉक की, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्वागत का रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है। और ये हो जाता है थर्ड ब्लॉक, जिसके अंदर मैं आपको स्टूडियो की वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पर डीकैथलॉन ऑपरेशनल है। तो ये पार्ट हो जाता है डीकैथलॉन का, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑपरेशनल है। तो इसी टावर में हम लोग देखेंगे स्टूडियो की भी वीडियो। ये वाला ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था, जिसके अंदर स्वागत रेस्टोरेंट था। इसके अलावा यहाँ पर होटल कैस्पिया, ये भी ऑपरेशनल है। यहाँ पर फिटजी का ऑलरेडी ब्रांड है। ये वाला ब्लॉक है जिसके अंदर मैंने आपको GST का कमिश्नरेट ऑफिस बताया था। इसके अलावा LG का रिसर्च सेंटर, इसके अलावा और भी अदर कंपनीज हैं जो कि ऑपरेशनल है। और ये यहाँ पर एंट्री हो जाती है, तो कुछ इस तरह की एंट्री एग्जिट है जो कि ऑपरेशनल है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा स्टूडियो अपार्टमेंट पर और देखते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की वीडियो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 8th फ्लोर पर और देखने वाले हैं सैम्पल स्टूडियो की वीडियो, जिसका साइज होगा 495 स्क्वायर फीट। तो ये पूरा कॉरिडोर एरिया होता है, यहाँ पर टोटल 30 स्टूडियोज़ मिल जाते हैं आपको। तो ये इसकी एंट्री होती है, ये 495 स्क्वायर फीट का साइज है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको एक ये पेंट्री एरिया मिल जाता है, जिसको आप एज ए किचन यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको एक वॉशरूम का एरिया मिल जाता है, ये पूरा वॉशरूम का एरिया होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी है। चलिए अब देखते हैं रूम को। तो 495 स्क्वायर फीट के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस लेआउट है। आपको ये कबर्ड्स के लिए स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर भी कबर्ड के लिए स्पेस मिल जाता है। रूम साइज़ काफ़ी डिसेंट है। ये हम लोग एक्चुअल स्टूडियो देख रहे हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही आपको मिलने वाला है। ये पूरा बालकनी का एरिया हो जाता है, तो कुछ इस तरह से आपको बालकनी मिलेगी। सामने ही वैगमान्स बिजनेस पार्क है, जो कि इसी सोसाइटी का पार्ट है। बेसिकली टोटल 10 एकड़ की सोसाइटी, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, तो ये भी इसी सोसाइटी का पार्ट है। और यहाँ से आपको ऐसा व्यू आने वाला है।